केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 शहरों के लिए फ्लाइट का शुभारंभ किया। अहमदाबाद और मुंबई के लिए फ्लाइट शनिवार से सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश को उड़ानों की बड़ी सौगात मिली है। सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से 5 शहरों के लिए 8 उड़ानों का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल से वर्चुअली शामिल रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्री और नेता इसमें शामिल रहे। वहीं पहली फ्लाइट ग्वालियर से पुणे के लिए शुरू हुई है। अहमदाबाद और मुंबई के लिए शनिवार से फ्लाइट शुरू की जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर आज गुजरात, मुंबई सहित अन्य शहरों से जुड़ा है। मुझे खुशी है कि गुजरात मेरी ससुराल है और महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से जबलपुर दिल्ली जबलपुर फ्लाइट भी शुरू करेंगे। इसके बाद अक्टूबर में खजुराहो दिल्ली खजुराहो फ्लाइट शुरू होगी। आने आने वाले समय में रीवा भोपाल जबलपुर ग्वालियर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि जिन 8 उड़ानों का ऐलान किया गया उनमें 6 अकेले ग्वालियर से हैं, जबकि 1 उड़ान जबलपुर से है। जानकारी के मुताबिक उड़ानें ग्वालियर अहमदाबाद ग्वालियर ग्वालियर मुंबई ग्वालियर ग्वालियर पुणे ग्वालियर और जबलपुर सूरत जबलपुर रखी गई है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे ग्वालियर को विकास की गति मिलेगी। ग्वालियर की ही नहीं प्रदेश की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिन्होंने ग्वालियर को उद्योग के दृश्य हर क्षेत्र से जो जोड़ने का काम किया है, जिसकी लोगों को आवश्यकता थी। एक परिवार के मुखिया होने के नाते से उन्होंने जो सौगात हमें दी है उसके वर्णन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पर हम ये जरूर विश्वास देते हैं उनको कि उनके इस सोच को साकार करने के लिए ग्वालियर का एक एक नागरिक, उनके इस विकास कार्य में उनके साथ खड़ा हुआ है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे बीच में, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया, जुड़े हुए हैं माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मुझे विश्वास है कि एक विकास की गति जो पकड़ी है वो अब ग्वालियर हर क्षेत्र में, जो यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए थोड़ा सा भी परेशानी महसूस कर रहा था, उसके लिए उद्योग के क्षेत्र में, चाहे हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पूरा ये विश्वास है कि विकास को गति मिली है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।